शहर के वार्ड क्रमांक 3 में उस वक्त हंगामा मच गया जब वार्ड के लगभग 50 से 60 घरों में पानी नहीं आया। वहीं वार्ड वासियों के द्वारा पता लगाया तो इसका पता चला कि वार्ड में एक निजी कंपनी के द्वारा टावर लगाने के लिए वार्ड में गड्ढे किए जा रहे हैं, जबकि इसका विरोध पहले पार्षद भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि नगरीय प्रशासन से अनुमति लेकर वर्तमान समय में एक निजी मोबाइल कंपनी के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा खुदाई भी की जा रही है, जिसका लगातार रहवासी व जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के द्वारा विरोध देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि ये लोग खुदाई के दौरान जहाँ पाइपलाइन फूट गई है तो वहीं गड्ढों को भरने का कार्य भी नहीं कर रहे, जिससे दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है। ऐसी स्थिति वार्ड नंबर 3 के ताजनगर में निर्मित हो गई। दरअसल यहाँ पर बीती रात कंपनी के द्वारा केबल बिछाने के लिए कई स्थानों पर गड्ढे खोदने का कार्य किया गया, जिससे कुछ स्थानों की पाइपलाइन ही फूट जाने से रविवार की सुबह नगर पालिका के द्वारा पेयजल की सुविधा बाधित हो गई। यहाँ के रहवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए। वार्ड नंबर 3 ताजनगर में पाइपलाइन फूट जाने से करीब 50 से 60 घर ऐसे हैं जहाँ सुबह के वक्त पानी की बड़ी किल्लत हो गई। यहाँ कई घरों के रहवासी पानी मिलने का समय होने पर पानी का इंतजार तो करते रहे, लेकिन उनके घरों के नलों में पानी नहीं आया, जिसने उनको काफ़ी इससे समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। पानी न आने से परेशान हुए रहवासियों ने पार्षद प्रतिनिधि के साथ मिलकर नाराजगी जताई और उन्हें टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराए जाने व फूटी पाइपलाइन को तत्काल ही दुरुस्त करने की मांग की। जबकि मोबाइल कंपनी के लोग मशीन लेकर उनके वार्ड में पहुंचे थे तो वार्डवासियों ने उसका विरोध भी किया था कि यहाँ जिन स्थान पर पाइपलाइन लगी है वहाँ पर लोग खुदाई का कार्य नहीं करें, क्योंकि इसके पूर्व भी जब खुदाई का कार्य किया गया था तब गड्ढे को खुला ही छोड़ दिया गया था और पाइपलाइन को भी तोड़ दी गई थी। इसके कारण रहवासियों को परेशान भी होना पड़ा था, जिस पर ठेकेदार ने कहा था कि वे लोग तो काम करेंगे, क्योंकि इसके लिए उन्होंने नगरीय प्रशासन को नगद 8 लाख रुपए दिए हैं और अनुमति भी ली, जिसके बाद उन लोगों ने मनमानी करते हुए रात के समय मशीन से खुदाई का कार्य कर पाइपलाइन को तोड़ दिया। थोड़ा देर आया है, 1 घंटा, फिर बंद हो गया। एक बाल्टी भी नहीं भर पाए। अब कैसे करेंगे आप पानी की व्यवस्था? अब पानी की व्यवस्था ऐसा है, घर में पानी भरा हुआ था, उससे कल परसों पानी था, वही पानी भी कर लिए। मतलब अभी है तो ठीक है, किस कारण से पानी नहीं आया पता है? अब किस कारण तो वो तो नहीं पता सर, पर वो पाइप लाइन के कारण थोड़ा सा। अच्छा, क्या काम चल रहा है यहाँ पे आपके? अभी वो अच्छा, बोलो ना, ये मशीन चली थी, बोलना रात में यहाँ से वहाँ तक आया हमारे एक पानी में। क्यों नहीं आया पानी रात में? यहाँ मशीन चली है। किन के द्वारा मशीन चलाई गई वो हमको पता नहीं किसकी, लेकिन रात में 10:30-11 बजे मशीन चली। वो वार्ड नंबर 3 गुरु ने मना भी करा तो नहीं आ रहे, उन्हें उसके बाद में बंद करे, क्योंकि पाइपलाइन फूट गई इस वजह से पानी नहीं आया। मशीन चली तो उसके वजह से तो फूटेगी। ये कितने घर होंगे यहाँ पर? अभी 3 दिन पहले एयरटेल वाले आए थे, वो पाइपलाइन खोद रहे थे, उनको मैंने मना भी किया कि यहाँ पूरी नल लाइन लगी हुई है, आप लोग अपने वायर डाल रहे हो, मशीन चलाओगे उससे पाइपलाइन ब्रेक हो सकती है। तो बोले नहीं, हमने परमिशन ले ली, हमने 8 लाख रुपए नगर पालिका में जमा कराए हैं और बड़ा ताव में बात किया कि हम जहाँ चाहे वहाँ गड्ढा खोद सकते हैं। तो फिर मैंने इंजीनियर से भी बात किया तो इंजीनियर साहब स्वप्निल जैन सर ने बोले कि हाँ परमिशन दिए, बोले हमने। तो मैंने बोला सर यहाँ पर आप लोग अगर आप खुदवा रहे हो तो नगर पालिका नल विभाग का जल विभाग का एक आध आदमी खड़ा कराए जो बताए कि कहाँ लाइन है। अब वो अपनी मर्ज़ी से रात को 1 बजे आकर इन लोगों ने मशीन चालू किए और मशीन चलाए, जिसकी वजह से एक लाइन की वार्ड नंबर 3 बोदा रोड की पूरी पाइपलाइन ब्रेक हो गई।